बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला श्री उदयराज सिंह के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक उतरौला संजय कुमार दुबे के नेतृत्व में आज दिनांक 30/4/2023 को आगामी नगर निकाय निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना कोतवाली उतरौला पुलिस टीम द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ कस्बा उतरौली में एरिया डोमिनेशन कर आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र के संवेदनशील अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर प्रमुख चौराहों आदि पर फ्लैग मार्च कर आमजन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपदीय पुलिस शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हो। कासगंज जनपद में निकाय चुनाव का दौर जोर शोर से चल रहा है। रविवार को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पटियाली कस्बा के नरदौली रोड स्थित प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा की मीटिंग हॉल में बीजेपी की प्रत्याशी श्री मती कंचन शाक्य के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक ममतेश शाक्य एवं कासगंज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बॉबी कश्यप ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा ने नगर की जनता बीजेपी की प्रत्याशी कंचन शाक्य के पक्ष में मतदान करने की अपील की और नगर जनता को नगर में चहुमुखी विकास कराने का वादा भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत पटियाली का प्रत्याशी कंचन साक्य जी को बनाने का कारण यह है कि कंचन साक्य जी की मांग इस नगर पंचायत के हर समाज के हर वर्ग के लोगों ने करी थी और इसलिए उनको अच्छे प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे हम लेकर के आए और कंचन साक्य यहाँ से कंचन साक्य जी चुनाव जीतेंगी। बाकी के पूर्व में भाजपा ने जितने विकास कराए हैं, मैं भी यहाँ से पूर्व में MLA रहा हूँ और नगर पंचायत के नीरज मिश्रा जी चेयरमैन रहे हैं, वो भी आज हमारे साथ में है। संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज और अन्य समाज में यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज सभी वर्गों की पार्टी है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग विकास के मुद्दे पर वोट दें, क्योंकि हमारी पार्टी ने विकास किया है और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा देने के काम किया है। आज कोई भी व्यक्ति रात के 12 बजे कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी खुले ताले में रह सकता है, घर छोड़कर भी रह सकता है। ये सुरक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने दी है और इसी पर हमारी जो प्रत्याशी हैं विकास के मुद्दे पर आई हैं, नगर का विकास कराएंगी और नगर में जो भी शांति का माहौल बनाएंगी और सुरक्षा का माहौल रहेगा नगर में, यही हमारी है। कंचन साक्य जी हैं, ये विकास के मुद्दे पर आ रही हैं चुनाव में और ये जीतेंगी और मैं अपने समाज के लोगों और अन्य समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा, 11 तारीख को कमल के फूल पर भारी मतों से विजय बनाकर कंचन साक्य को नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएंगे। खबर कासगंज जनपद से है, जहां पटियाली थाना क्षेत्र के गंज डुंडवारा मार्ग ग्राम अलीपुर दादर के निकट सड़क हादसे में भट्टा मजदूर की मौत हो गई। दुर्घटना से परिवार में कोहराम मच गया। घटनाक्रम के अनुसार 26 वर्षीय रामू पुत्र राजेंद्र दिवाकर निवासी ग्राम चिरौला थाना गंज डुंडवारा, जो रविवार की दोपहर पटियाली से सब्जी लेकर बाइक से अपने गाँव जा रहा था, जैसे ही वह ग्राम अलीपुर दादर के निकट पहुंचा, पीछे से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार भट्टा मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की खबर पर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पटियाली पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धार्थनगर निकाय चुनाव में तेजी आने के साथ ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रविवार को सिद्धार्थनगर जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता नौगढ़ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्हें भाजपा कार्यालय पर भाजपा के जिला संयोजक कन्हैया पासवान की मौजूदगी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विजय सिंह ने भाजपा के प्रति
आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को हर संभव जिताने के लिए कार्य करने की बात कही और कांग्रेस पार्टी पर उनके अनदेखी करने और उन्हें उचित स्थान ना देने का आरोप लगाया। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजीव राय मीडिया से बात करते हुए कहा कि अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आने और सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव की तरफ है। कल भी माननीय राधारमण त्रिपाठी जी, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। आज कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख या नौगढ़ के, और जिनका जनता में पूरा सीधा संपर्क है, ऐसे आदरणीय विजय सिंह जी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। हमारे जिले के संयोजक आदरणीय कन्हैया पासवान जी ने उनको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। निश्चित ही नौगढ़ नगर पालिका के अलावा पूरे जनपद में जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं उसमें ये अच्छा संदेश जाएगा और निश्चित नगर पालिका का चुनाव जनपद सिद्धार्थ नगर में हम सभी नगर पालिकाओं को चुनाव जीतेंगे। क्या आने वाले दिनों में और भी उम्मीद रखें इस तरह की? जी, नित्य प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग होती रहेगी। तरह तरह के जो भी खराब मंसूबे पाल करके जो बैठे हुए हैं उनको ये मेरा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पाति विचारधारा पंथ मजहब की नहीं, ये सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है। निश्चित सबका विकास होगा और सबका साथ भी मिलेगा। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र राजपूत ने अधीक्षण अभियंता इंजीनियर एनपी सिंह साहब के निर्देशों के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर आई हुई शिकायतों के निस्तारण हेतु अपने अधीनस्थ अवर अभियंता दीपक सक्सेना, स्वतंत्र यादव एवं देवेंद्र सिंह के साथ ग्राम नगला अतिया में औचक निरीक्षण किया, जिसमें 12 लोगों को अपने परिसर पर स्थापित मीटर को आने वाली केबल में कट कर अथवा एक अलग से केबल डालकर स्थापित मीटर को बाईपास करते हुए अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करने के लिए 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं पर 9,18,356 बकाया होने पर लोगों को कनेक्शन की केबल को पोल से काट कर नीचे गिरा दिया गया है। मैं धर्मेंद्र कुमार राजपूत, उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग सिरसागंज, आज अपने अधीक्षा इंजीनियर एनपी सिंह साहब के निर्देशों के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु अपने अधीनस्थ अभियंता देवेंद्र सिंह, दीपक सक्सेना एवं स्वतंत्र यादव जी के साथ ग्राम नगला अतिया पहुंचे तो हमने पाया कि लगभग एक दर्जन लोग अपने परिसरों पर स्थापित मीटर को आने वाली केबल में कटकर अथवा एक अलग से केबल डालकर अनाधिकृत रूप से अपने अपने परिसरों में मीटर को बाईपास करते हुए विद्युत का उपभोग कर रहे हैं। इन सभी 12 लोगों के प्रति अवर अभियंता देवेंद्र सिंह के द्वारा एनडी थाना आसोवाद में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि लोग अपने परिसरों में घरों में एसी तो लगा रहे हैं लेकिन एसी का संचालन मीटर के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसे सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सुख सुविधाएं का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिजली का वो भी मीटर के माध्यम से ही करें, अन्यथा की स्थिति में विभाग सजग और सतर्क है। आपके आए दिन प्राथमिकी दर्ज होती रहेगी जिसके कारण आप पर एक वित्तीय भार के साथ साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। बलरामपुर इंडो नेपाल बॉर्डर हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरहवा का मजरा रमवापुर रोतार गांव में शुक्रवार देर शाम जंगल से अचानक आग की चिंगारी उड़कर रोतार गांव में आ गिरी, जिससे गांव के फूस के घर जलने लगे। पछुआ हवा काफी तेज थी जिसके कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गाँव के दर्जनों लोगों समेत करीब 50 आशियाने जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड तथा ग्रामीणों की मदद से कुछ घर बच गए, बाकी घर जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर राजेंद्र बहादुर, सीओ ललिया राधा रमन सिंह ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। एसडीएम ने बताया कि हल्का लेखपाल संतोष पांडे ने क्षति का आकलन कर रिपोर्ट भेजी है। जल्द ही अग्निकांड पीड़ितों को अहेतुक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आग साहब जंगल से जो है कहना और दार तो यहाँ बुताई कर रहा, लेकिन अब अचानक मैं जो है बीच गांव में से लाग गया। कहाँ कहाँ जला है आपका? अरे मैं कुछ बचाना है साहब, सब जल गया। कौन गांव?
आग कैसे लगा? आग लगा जंगल से ना, यहाँ जंगल रहा, जंगल वर से आग लागे कहीं यहाँ आवे रहा तो हम से आग यहाँ बुताई दें, तब ओकरे बाद में जब तक यहाँ आग बुताओ तो यहाँ आग पकड़ ली। बरेली थाना बारादरी के मोहल्ला हजियापुर वार्ड नंबर 15 में आज रिहाना पत्नी आबिद हुसैन ने आज रैली निकाली, जिसमें पब्लिक का जन समर्थन देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें आज ही जीत प्राप्त हो गई हो। बताते चलें, थाना बारादरी के मोहल्ला हजियापुर वार्ड नंबर 15 में आज जो रैली निकाली, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। हजियापुर वासियों ने बताया कि आबिद हुसैन ने समाज का काफ़ी काम किया है, इसलिए जनता आपके साथ है और हम लोगों का आशीर्वाद है, आप इस बार विजय अवश्य होंगे। जिस तरह रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आदाब, मैं अब्दुल हसन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। आज हम थाना बारादरी के मोहल्ला हजियापुर में हैं और हमारे साथ आबिद हसन जी जुड़ चुके हैं वार्ड 15 से। आइए जानते हैं कि यहाँ के हजियापुर वालों की क्या क्या समस्या है और उनका कैसे निवारण करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आबिद हुसैन और मैं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हूँ। और मैं वैसे तो काफी समय से लोगों की सेवा करता चला आया हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ आगे जो लोग हैं मुझे अगर चुनते हैं तो जो काम मैंने सभासद ना होते हुए भी किया है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि और आगे ज्यादा से ज्यादा मैं उनके लिए काम करूँ। जैसे कि समस्याएं हैं, पहली बात तो यहाँ पर सड़क की समस्या है, जगह जगह सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, और फिर सबसे बड़ी समस्या है चार बूंदे अगर गिर जाती है तो एक तरीके से देखिए तो बाढ़ आ जाती है। तो ये समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन मैं आगे ये कोशिश करूंगा कि इन समस्याओं का निवारण किया जाए। अच्छा, यहाँ पे स्कूल हैं? स्कूल तो हैं, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि स्कूल हैं जिसमें एक छोटा सा स्कूल है जिसमें करीब 200-250 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और एरिया काफी बड़ा है, लेकिन बच्चों को एडमिशन तक ही, सरकारी स्कूल में भी एडमिशन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ सोचा आपने, इनके लिए क्या करना है? महिला बच्चों के लिए तो मैं रेगुलर काफी समय से काम करता चलाया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जैसे कि विधवा पेंशन है, 60 साल है, और भी बहुत सी आयुष्मान कार्ड है, मैं लोगों के लिए रेगुलर काम करता चलाया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जी, तो ये थे हमारे साथ आबिद हसन जी, जिनका कहना है जो यहाँ की समस्या लोगों की है वो उनका निवारण किया जाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों के आधार बनने को है, पहचान पत्र बनने को है, या विधवा पेंशन है, या रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, बहुत से ऐसे काम है जिनको किया जाएगा। आबिद हसन ने ये बताया कि यहाँ के लोगों ने अगर हमें चुन के भेजा तो जो भी समस्या हजियापुर वालों की है उस सारी समस्याओं का। बता दें, जनपद बिजनौर के जिला निर्वाचन अधिकारी DM उमेश मिश्रा ने आज विवेक कॉलेज में आयोजित मतदान कार्मिकों के द्वितीय चरण के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदान कार्मिकों और मास्टर ट्रेनर्स को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को सुचारू, निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदान कर्मियों की होती है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये स्थिति मैं ये चाहूंगा पूरी ईमानदारी से आप लोग उसको देखिए, समझिए और फिर उसमें जहां मैलपुरी के कुसमरा में पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जय कुमार गुप्ता समाजवादी पार्टी छोड़ समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में अपने साथ एक दर्जनों साथियों के साथ भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। इस तरह से समाजवादी के पूर्व प्रधान किठाह कंबोध यादव ने समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से नाराज होकर आज भाजपा का दामन थाम लिया। जय कुमार गुप्ता के साथ कैलाश गुप्ता, पूर्व सभासद सुरेंद्र गुप्ता, सोनू जाटव आदि दर्जनों लोग शामिल हुए। गायत्री देवी के साथ अपार जनसमूह जुड़ता रहा। गायत्री देवी इस बार परिवर्तन कर सीट भारी बहुमत के साथ भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगी।
मिलान कलियर में चोरों के हौसले बुलंद। यहां आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, तो कई घरों में चोरी होती है। पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी निभा रहा है। सिंघम थाना अध्यक्ष जागीर अली के आने के बाद थोड़ा अंकुश लगा है, उसके बाद भी चोर बाज नहीं आ रहे हैं। आज एडी टीवी के पत्रकार की बाइक चोरी कर ली गई। वीडियो में देख पता चलता है कि चोरों को कोई डर नहीं है। पुलिस और प्रशासन बहुत सख्त है। अब आगे देखना है कि थाना अध्यक्ष जहांगीर अली चोरों पर कहां तक लगाम लगा पाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।